मंदिर और मस्जिद से बनाने के जो झगड़े चल रहे हैं ये न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कैसे कोई कह दे कि हम बना देंगे, हम बिगाड़ देंगे, या दोनों पक्षों की रजामंदी हो। ये चुनाव आते हैं तो ये गरमाते हैं, चुनाव बीत जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं तो फिर वही बात कहते हैं कि अब कोर्ट में मामला न्यायालय में है, अब जिसके वजह से भाई हम मजबूर हैं। मुख्यमंत्री जी हैं बीजेपी के हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ भी मिलकर चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं और आप नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी की नीतियां हैं। देखिए अब अगर हम बोलते हैं तो विरोध लगता है ना, बात अगर हम कहते हैं 1980 में बीजेपी बनी, ठीक 38 साल हो गए, तीन चीज़ें वो बोलते हैं हम 370 धारा हटाएंगे, है ना, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे। 38 साल में तीन बार दिल्ली में, तीन बार लखनऊ में सरकार बन गई, कौन रोकता है, कोई रोकता है, और तीनों में कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है दसवीं और करनी में फल है? आप नहीं देख रहे हैं। अच्छा ये जो महापुरुषों लोगों को कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जब जब कौमें जागेंगी तो उनके इतिहास उजागर होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब तक कांसीराम जी नहीं आए थे तो 5-6% लोग बाबा साहब का नाम लेते थे, जानते थे। जब कांसीराम जी आए तो आज पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया बाबा साहब पे चर्चा करने लगा। अब डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी आए, तमाम लोग आए, पटेल की चर्चा हुई, इसके पहले क्यों नहीं लगा दी गई मूर्ति? 1952 से चुनाव हो रहे हैं, 72 साल की आज़ादी में, इसके पहले क्यों नहीं लगी? तो ये तो जब जब कौमें जागेंगी तब तब कुछ ना कुछ होगा महापुरुषों के विषय में। अब जैसे हम तो महाराजा सुहेलदेव जी को ले लीजिए, कोई जानता नहीं था, 1% लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री बयान देते हैं सदन में, सारे लोग अब चर्चा करते हैं। तो जो महापुरुष हैं उनको देश के इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया।